पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गुप्त सूचना मिला था कि अररिया के विभिन्न होटलों में अवैध देव द्वार पहुँच चलता। इस क्रम में पिछले दिनों भी एक होटल पैराडाइज में हम लोग छापामारी किए थे। अररिया सदर के बस स्टैंड के समीप शिवलोक होटल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में रंगे हाथ धराए युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि SP के निर्देश पर यह सूचना मिली थी कि शहर के बस स्टैंड के समीप कई होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी क्रम में शिवलोक होटल में रेड किया गया। सभी गिरफ्तार युवक युवतियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अभी तक शिवलोक होटल के संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि संचालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गुप्त सूचना मिला था कि अररिया के विभिन्न होटलों में अवैध देव व्यापार चलता है। इस क्रम में पिछले दिनों भी एक होटल पैराडाइज में हम लोग छापामारी किए थे, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली थी। आज पुनः सूचना मिली थी कि होटल शिवलोक में अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस क्रम में महिला थाना अध्यक्ष रीता कुमारी, SHO सुनील कुमार, टाउन थाना अध्यक्ष और मेरे द्वारा छापामारी किया गया। उस होटल में जब छापामारी किया गया है तो उसमें अवैध अनैतिक देह व्यापार में 6 महिला है जो मालिक है सभी, और 5 पुरुष जो है पकड़े गए हैं जो विभिन्न अलग अलग कमरे में भी थे और आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है, उस सब की भी जब्ती सूची बनाई जा रही है और इन लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुरुष को, महिला को उसके बालिग है, उसके उचित गार्जियन को बुलाया जा रहा है और उसका पता करके उसको हैंड ओवर किया। सर, होटल संचालक पर भी कुछ कार्रवाई? हाँ, होटल संचालक पर भी कार्रवाई होगी, चूँकि होटल संचालक को इतनी बड़ी देह व्यापार चल रही है उसकी जानकारी नहीं हो, ये ऐसा माना नहीं जा सकता। लॉकडाउन और लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में एक तो ऐसे भी माने कि लोगों को नहीं अभी होटल का चालू रखना है और वो होटल भी चालू रखे हुए हैं, सारी चीज होगी। सर, कहाँ कहाँ के पकड़ा है?